तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लेसी। फ्रेंड, आज हम आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग इंडियन स्टैम्प के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड, आप इंडियन स्टैम्प को आप क्लट करके आप इस स्टैम्प से ऑनलाइन अर्निंग कर पाएंगे और आप इस स्टैम्प को क्लट करके आप इससे ऑनलाइन बिजनेस भी कर पाएंगे। फ्रेंड, यदि आप इस स्टैम्प को क्लट करते हैं तो आप इस स्टैम्प को किसी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी दोस्त को आप ऐसे गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड, हम जान लेते हैं इस स्टैम्प का जो नाम है। तो फ्रेंड, इस स्टैम्प का जो नाम है वो 130th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी इंडिया स्टैम्प है। फ्रेंड, इस स्टैम्प को 1969 में रिलीज किया गया था। फ्रेंड, 1969 में इस स्टैम्प की जो प्राइस थी वो 20 पैसे थी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इस स्टैम्प को जब रिलीज की गई थी 1969 में तो इसकी जो प्राइस थी फ्रेंड वो 20 पैसे थी। बट अभी 2023 में इस स्टैम्प की जो करंट प्राइस है वो 60 रुपीज़ हो गई है। तो फ्रेंड, आप समझ सकते हैं कि ये स्टैम्प आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आप इस स्टैम्प से कितना अर्निंग कर पाएंगे आफ्टर 3 ईयर्स में। फ्रेंड, यदि आप इस स्टैम्प को 1969 में कलेक्ट किए होते तो अभी आप इस स्टैम्प से 59.80 रुपीज़ का आप इसमें अर्निंग कर पाते। तो फ्रेंड, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आप इस स्टैम्प से कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर पाएंगे आप इस स्टैम्प को कलेक्ट करके। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस स्टैम्प को कब रिलीज किया गया था। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इस स्टैम्प को 1 जनवरी 1969 को रिलीज किया गया था, जिसका नाम 130th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी इंडियन स्टैम्प रखा गया था। फ्रेंड, ये स्टैम्प का इमेज है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इस स्टैम्प को जब रिलीज किया गया था फ्रेंड तो इसकी जो प्राइस थी फ्रेंड वो 20 पैसे थी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, हम जान लेते हैं कि इस स्टैम्प को क्यों रिलीज किया गया था और किसके द्वारा इस स्टैम्प को रिलीज किया गया था। तो इसके लिए फ्रेंड हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रेंड, बंकिम चंद्र चटर्जी वॉज एन इंडियन पोएट एंड जर्नलिस्ट। ही वॉज बॉर्न ऑन 27 जून 1838 में। फ्रेंड, बंकिम चंद्र चटर्जी थे वो इंडियन एक पोएट थे एंड जर्नलिस्ट, यानी एक कवि और एक पत्रकार भी थे। फ्रेंड, इनका जो जन्म हुआ था वो 27 जून 1838 को हुआ था। ही वॉज ए ऑथर ऑफ द नोवेल अनंत मठ इन द बंगाली लैंग्वेज इन 1882 में। फ्रेंड, इनका जो नोवेल था अनंत मठ वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था बंगाली लैंग्वेज में 1882 में। इंडियाज नेशनल सॉन्ग, फ्रेंड इंडिया का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। फ्रेंड, जो इंडिया का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था बट वो संस्कृत एंड बंगाली लैंग्वेज। जनवरी 1969 वाज हिज 138th बर्थडे। ऑन दिस ओकेजन इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट रिलीज ए इंडिया स्टैम्प। फ्रेंड, इनका 1 जनवरी 1969 को इनका 130th बर्थ एनिवर्सरी था। ऑन दिस ओकेजन पे इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इस स्टैम्प को रिलीज किया गया था। फ्रेंड, इस स्टैम्प को इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा 1969 को रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड, हम जान लेते हैं कि इस स्टैम्प का एट्रीब्यूट क्या है। तो इसके लिए फ्रेंड हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रेंड, इस स्टैम्प का जो कंट्री ओरिजिन है वो इंडिया है। से टाइप स्टैम्प है, रिलीजियन 1 जनवरी 1969 है। जियोग्राफी वो सिंगल कंट्री है। स्टैम्प कंडीशन है वो न्यू है। फ्रेंड, आप इस न्यू स्टैम्प को आप कैसे क्लट कर सकते हैं मैं आपको अभी यहाँ पे सारी प्रोसेस करके बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको इस स्टैम्प को क्लट करने के लिए आप अपनी गूगल ओपन कर लें। गूगल ओपन करने के बाद फ्रेंड आपको वहाँ पे केवल फ्लेसी वहाँ पे लिखना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बाय इंडिया स्टैम्प आपको यहाँ पे सर्च करना है। इंडिया स्टैम्प लिखने के बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। आप जैसे एंटर कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे बाय इंडिया स्टैम्प आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बाय इंडिया स्टैम्प फ्लेसी, फ्रेंड आपको वहाँ पे फ्लेसी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको बाय इंडिया स्टैम्प फ्लेसी .com पे आपको जाना है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे उस पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद ये वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। और आप इस वेबसाइट से आप जो भी स्टैम्प या मिनिएचर सीट आप कलेक्ट करना चाहते हैं वो आप इस वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, जिस स्टैम्प के बारे में आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। अब जिस स्टैम्प को कलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सर्च से पहले आप सर्च बॉक्स में यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जिस स्टैम्प के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ।
जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया 130th बर्थ एनिवर्सरी बंकिम चंद्र चटर्जी इंडिया स्टैम्प, उसके बाद आपको ये स्टैम्प आपको यहाँ पे शो करने लग गया है। उसके बाद आपको उस पर क्लिक कर देनी है। अब जैसे उस पर आप क्लिक करते हैं ये पेज आपका ओपन हो जाएगा और इस स्टैम्प की जो करंट प्राइस है फ्रेंड, जो मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ था कि वो 60 रुपीज हो गई है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसकी जो करंट प्राइस है वो 60 रुपीज हो गई है। और यहाँ पे इस स्टैम्प की डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है जो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड हम नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है। आप जितना इस स्टैम्प को बाई करना चाहते हैं 1, 3 या 2, 5, आप जितना यहाँ से क्वांटिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ऐड टू कार्ट पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे आपको क्लिक करनी है। अब जैसे प्रोसीड टू चेकआउट पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स फिल करनी है। बिलिंग डिटेल्स में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, टाउन, पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ऑर्डर नोट्स में आप जो लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेपल पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे प्रोसीड टू पेपल पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट ओपन हो जाएगा। ऑर्डर लिस्ट में फ्रेंड आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक पेपल है, एक क्रेडिट कार्ड है। आप जिससे भी बाई करना चाहते हैं आप इस स्टैम्प को, आप उसके द्वारा आप इस स्टैम्प को बाई कर सकते हैं। यदि आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करनी है। क्रेडिट कार्ड में आपको यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट, कार्ड कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं ये स्टैम्प आपका ऑर्डर हो जाएगा और हमारी कंपनी आपको इस स्टैम्प को आपके घर तक डिलीवर कर पाएगी। तो फ्रेंड मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है कि आप इस स्टैम्प को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और आप इस स्टैम्प को कलेक्ट करके आप किसी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी दोस्त को आप ऐसे गिफ्ट भी दे सकते हैं और आप इस स्टैम्प से ऑनलाइन अर्निंग भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड आप इस स्टैम्प को जरूर कलेक्ट करें या फिर अपने फेवरेट कलेक्शन में आप इस स्टैम्प को जरूर ऐड कीजिएगा। तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं जब भी आपके लिए एक नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में एक नए स्टैम्प, एक नए मिनिएचर शीट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड बाय, थैंक यू।